हेलो फ्रेंड्स, साउथ इंडिया में बहुत तरह के डोसे मिलते हैं। सब डोसों का अपना अलग अलग स्वाद है। ये एक डोसा है दोस्तों, जिसका नाम है ओपन डोसा। ये थोड़ा तीखा होता है क्योंकि इस पे जो है चटनी पुड़ी, जिसे हम फुटानी पाउडर बोलते हैं, गन पाउडर बोलते हैं, वो होती है। थोड़ा तीखा रहता है, ओपन में होता है, इसीलिए इसको ओपन डोसा बोलते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है दोस्तों, एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बनता है ये। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। ओपन डोसा के लिए दोस्तों हमें 203 कटोरी चावल है, 1 कटोरी उड़द दाल है, आधा कटोरी चना दाल है, और दोस्तों 1.5 चम्मच जो है वो मेथी दाना है। मेथी दाना एक भी रहेगा तो चलेगा, आप देख सकते हैं। इसी मात्रा में अपना दाल चावल मेथी दाना को ले लीजिए। एक बाउल में दोस्तों सभी को डालकर अच्छे से धो लिया है। आप देख सकते हैं ये चना दाल है दोस्तों, ये मेथी दाना है। मैं आपको नज़दीक से इसीलिए दिखा रही हूँ दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाए अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो। दोस्तों ये चावल है, ये चावल वही है जो हम डेली में खाने में यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये उड़द दाल है, ये अनपॉलिश उड़द दाल है। अब दोस्तों हमने अपनी सभी चीज़ों को एक बड़े बर्तन में डाल लिया है, और इसमें पानी डालने के बाद में अच्छे से दोस्तों धो लिया है। इसको धोना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों फिर हम इसको पानी में भिगा देंगे। लगभग 8 से 10 घंटे के लिए हमने इसे पानी में भिगाया, और पानी में निकलने के बाद एकदम ये फूल गई है, चना दाल चावल उड़द दाल और मेथी। उसके बाद पानी निकाल कर दोस्तों हमने इसे पीस लिया है। मेरे पास ग्राइंडर था, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे मिक्सी में पीस लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर दोस्तों एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं होना चाहिए। ओपन डोसे का बैटर एकदम इससे रेडी हो जाएगा। इसे दोस्तों पीसने के बाद में एक बर्तन में निकाल लीजिए और ढककर 8 से 10 घंटे के लिए दोस्तों रख दीजिए। इसमें नमक मत डालिए, इसको ऐसे ही रख दीजिए। अपने आप दोस्तों इसका फर्मेंटेशन हो जाता है। जब ये फर्मेंटेशन हो जाता है 8 से 10 घंटे के बाद में, आप इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाया। पूरे बैटर में मत मिलाइए दोस्तों, जितना ज़रूरत है उतने में मिलाइए। अगर आप पूरे में मिला देते हैं तो ये खट्टा हो जाता है। नॉन स्टिक एक तवा लिया है, गैस चालू की है। जब गर्म हो गया उसके बाद 200 चमचे की सहायता से मैंने अपना बैटर डाला है। बैटर को इतना पतला रखना है कि हमें इसे ज़्यादा फैलाना ना पड़े। जस्ट हमने थोड़ा सा इसको फैलाया और ऊपर से जो है अपना बटर डाला है। अगर आप तेल में बनाते हैं तेल डाल लीजिए। दोस्तों आप देख सकते हैं छोटे छोटे छेद आ गए हैं, जिसे एक तरफ से पता चलता है सिक गया है। ऊपर से फर्स्ट लेयर पूरा ड्राई होने के बाद में मैंने इस पर फुटानी पाउडर डाल दिया है। दोस्तों इस फुटानी पाउडर की रेसिपी आप मेरे पेज पर देख सकते हैं। ये इसे चटनी पूड़ी बोलते हैं। दक्षिण भारत में डोसे इडली के साथ में ये बहुत शौक से खाई जाती है। इस तरह दोस्तों डाल देने के बाद मैं गैस बंद कर दी, और इसके ऊपर जो है आलू की सब्ज़ी। मटर का सीज़न है इसीलिए मैंने आलू की सब्ज़ी में थोड़ी मटर भी ऐड कर दी है। आलू और प्याज की जो डोसे वाली सब्ज़ी होती है दोस्तों, वो हमें इसके ऊपर रख देनी है। बहुत सारी चटनी पुड़ी है, एकदम तीखा है दोस्तों। ज़्यादातर ओपन डोसे को बेड़ने यानी मक्खन के साथ बनाते हैं। आप इसको मक्खन के साथ बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। दोस्तों हमारी ओपन डोसे की रेसिपी जो है बनके तैयार है, डोसा तैयार है। आप इसको ब्रेकफास्ट में, लंच, डिनर, इवनिंग स्नैक किसी में भी एंजॉय कीजिए दोस्तों। डोसा सबका ही फेवरेट होता है। इस तरह बनाइए, एक नए तरीके डोसे की रेसिपी आज मैंने आपको बताई है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।